युवा मंच सत्संग समिति द्वारा हरियाली अमावस पर सावन महोत्सव मनाया गया और कोविड 19 के समय समिति के जिन सदस्यों का निधन हुआ है उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। युवा मंच सत्संग समिति द्वारा हरियाली अमावस पर सावन महोत्सव मनाया गया और कोविड 19 के समय जिन भी साथियों का निधन हुआ है उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। युवा मंच सत्संग समिति के संस्थापक गोयल पागरवाल व अध्यक्ष मनोहर परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 29 वर्षों से युवा मंच सत्संग समिति सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में कार्य कर रही है, जिसमें गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण, पंचकोशी यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था, राम कथा, भागवत कथा आयोजन करती आ रही है। हर वर्ष हरियाली अमावस पर सावन महोत्सव मनाया जाता है, इस वर्ष भी सावन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हीरा मिल परिसर स्थित हृदयेश्वर महादेव मंदिर पर पूजन अर्चन कर भव्य श्रृंगार किया गया तथा संत श्री भगवान जी बापू के मुखारबिंद से सत्संग का आयोजन रखा गया। साथ ही पौधारोपण और कोविड 19 में समिति के जिन सदस्यों का स्वर्गवास हुआ है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर अंकुट महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर समिति के संस्थापक गोपाल बागरवाल, अध्यक्ष मनोहर परमार, उपाध्यक्ष महेश सुनाने, सचिव धनीराम रायकवार, कोषाध्यक्ष संतोष शर्मा, श्रीमती गीता रानी, कविता रायकवार, रीना कुशवा, रूप सिंह बुंधेला सहित पीना सेन, प्रकाश चित्तोड़ा, सरोज अग्रवाल, श्याम जी माहेश्वरी, सुरेश सोमानी आदि बड़ी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद रहे। युवा मंच सत्संग समिति द्वारा सावन महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हृदयेश्वर महादेव मंदिर पर हवन और पूजा कराई गई, उसके बाद भगवान बापू की कथा चल रही है और हमारे देवों के नेता जो हैं, हमारे देवों के अंदर सदस्य जो शांत हो गए हैं उनको पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है और वृक्षारोपण का कार्य। हरियाली अमावस महापर्व पर युवा मंच सत्संग समिति द्वारा आज भगवान हृदयेश्वर महादेव का अभिषेक हवन पूजन के बाद श्री भगवान जी बापू की राम कथा चल रही है, उसके बाद हमारे जो दिवंगत हमारे मंच के परिवार के जो स्वर्ग सुधार गए हैं उनको आज पुष्पांजलि का आयोजन भी किया गया। कितने वर्षों से आयोजन किया जा रहा है? ये 1992 में हमारे मंच की स्थापना हुई थी, तो आज 29 साल करीब पूर्ण हमारे मंच के हो चुके हैं और ऐसे आयोजन हमारे मंच द्वारा। फिलहाल इस अंक में इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।